Yang praprajantamanupetamapetakrityam dvaipayano virahakataraya juhava putreti tanmataya tarvobhinedo tang sarvabhutaridayam munimanutus tavaivasmi tavaivasmi na jivami tvaya vina iti vijnaye radhe tang nayamam charanantike. मैं अपने परमाराध्यतम श्री गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पार श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं और अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। आप लोगों ने अभी अद्भुत प्रहलाद महाराज जी के चरित्र और कैसे उन पर भगवान नृसिंह की कृपा हुई ये सुना। भक्ति करना चाहिए तो प्रहलाद महाराज जी जैसा। भगवान बार बार कह रहे हैं जब कुछ मांगो और वो कहते हैं कि मैं बनिया नहीं हूं। यदि है कुछ मांगने की इच्छा उसको दूर कर दीजिए और अंत में यही मांगा बार बार भगवान के कहने पर। संसार में सभी लोग दुखी हैं, उनका दुख मैं भोगूंगा जन्म जन्मांतर में और इन लोगों को कृपा करके जगत से मुक्त कर दीजिए। ऐसे कम भक्त लोग हैं, यही शुद्ध भक्ति है। ये नृसिंह भगवान कौन है? स्वयं भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं। वो भगवान कौन है जिनके संबंध में कल मैं बतला रहा था? वृंदावन के गोकुल में नंद बाबा के लाला यशोदानंदन है। He is the supreme personality of Godhead, having all kinds of opulences, all kinds of powers, everything. रूप वाले हैं और रूप नहीं है, इनके संबंध में कल हमने बतलाया। फल विक्रयणी के संबंध में वो कभी बूढ़ा नहीं होता, सब समय एक समान नवकिशोर नटवर वो रहता है, बंसी लिए हुए। कभी भी उसको मूछे नहीं होती, दाढ़ी नहीं होती, उसका बदलता नहीं है, सब समय नवकिशोर रहता है। यहां तक कि 125 वर्ष की उम्र में द्वारका में 16108 रानियों के साथ में शादी करने पर उनको प्रत्येक रानियों के गर्भों से 10-10 लड़के लड़कियां भी हुई, सबकी शादी भी कर दी। 125 वर्ष के उम्र में कृष्ण कैसे लगते थे? बहुत छोटी उम्र के, जैसे उनके लड़के प्रद्युम्न और अनिरुद्ध थे, नौजवान किशोर जैसे। उनकी रानियां, कृष्ण की रानियां अपने बेटों को देख करके समझती थी कि कृष्ण तो नहीं आ गए, क्योंकि वैसे ही वो भी सुंदर थे। 125 वर्ष की उम्र में भी मूछ तक नहीं आई, रेखा तक नहीं आई, दांत भी नहीं टूटे, नौ किशोर बने रहे। ये भगवत्ता का लक्षण है। रामचंद्र कभी बूढ़े नहीं होते, 11,000 वर्ष की आयु उसे भी अधिक की और एकदम नौजवान नवकिशोर से बने रहते थे। ये भगवत्ता का लक्षण है। शास्त्रों में ऐसे समस्त अवतारों का दिया गया है। कभी भी भगवान बूढ़ा नहीं होता है, भगवान कभी भी नहीं मरता है। बूढ़े होकर के मर गया बिलबिलाते हुए, जैसे हम लोग मरते हैं, हमारे पड़ोसी लोग मरते हैं, वो नहीं मरता। He never dies. वो वैसा ही बना रहता है। क्या करता है वो? अपने शरीर के साथ ही, जो जिस शरीर के साथ ही में लोगों के दृष्टि से अगोचर होकर के अपने धाम में चला जाता है, अपने परिकरों के साथ में, कभी नहीं मरता। महाभारत में कुछ ऐसा वर्णन है कि एक बहेलिए ने उनको बाण मारा, द्वारका में बैठे थे,
समुद्र के किनारे, और उनके बंधु बांधव जितने थे सभी लड़ कर करके मर रहे थे, और कृष्ण निरपेक्ष होकर के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और बहेलिए ने बाण मारा, समझा जाइए कोई हिरण है, शब्दभेद ही बाण मारा, और उनके लगने से कृष्ण मर गए। कुछ ऐसा कुछ भाव झलकता है, किंतु ये मूढ़ लोगों को कुछ मोहित करने के लिए, मुग्ध करने के लिए है। लोगों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने इसकी टीका इस प्रकार से की है। देखो, एक कथा सुनाते हैं, आप लोग भी सुनिएगा, आपको फिर तत्व का ज्ञान रहेगा, और सावधानी से सुनेंगे, फिर कोई बतलाएगा कि नहीं जीवन में कोई भरोसा नहीं। सरल शब्दों में, बोधगम्य शब्दों में आप लोगों को बतला रहा हूं। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी सुंदरी थी, उसके दरबारी लोग बड़े विद्वान लोग थे। एक दिन दो नट, एक नट और उसके साथ में एक नट नृत्य करने वाली नटी और उसके दो बच्चे बड़े खूबसूरत, एक 9 वर्ष का एक 10 वर्ष का, दोनों लड़के वहां पर आए। रानी और राजा से निवेदन किया, जब हम लोग कुछ खेल दिखा लाना चाहते हैं, आप हमें पुरस्कृत करेंगे इसलिए कुछ खेल दिखलाएंगे। राजा ने, रानी ने कहा, देखो ठीक है, हम लोग तुम्हारा खेल देखेंगे, खेल दिखलाओ। उन दोनों ने दो बांसे खड़े कर दिए, बांस, और उस पर एक रस्सी ऐसे लगा करके नीचे खूंटों में बांध दिया, और वो खुद बाजा बजाने लगा बीन, और उसकी स्त्री जो नटी थी वो एकदम धड़ाधड़ एक बांस लेकर उस रस्सी पर ऐसे ही चढ़ गई ऊपर, और उसके ऊपर में बैलेंस रख करके नृत्य करने लग गई। इतना सुंदर नृत्य किया, वहां से घूम करके चली जाती और उसी प्रकार से नृत्य करती। राजा बड़े प्रसन्न हुए, रानी भी प्रसन्न हुई, और जब वो नीचे उतरी तो रानी ने एक 9 लाख हार अपने गले से निकाला, 9 लाख रुपया उस समय का, जिसमें हीरे जवाहरात ये पन्ने सब जड़े हुए थे, और उस लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत, छरहरी, बड़ी सुंदरी, शरीर की बनावट भी बड़ी सुंदरी, बड़ी फुर्तीली, और उसके गले में उसने डाल दिया। उनके दोनों लड़के थे, एक 9 और 10 वर्ष के, बड़े सुंदर, अद्भुत सुंदर। वो दोनों बच्चों ने मैया के गले से हार छीनने की चेष्टा की, उधर में खींच रहा, इधर में खींच, मैया मैं लूंगा, वो कहता मैया मैं लूंगा। दोनों लड़ने लगे, दोनों बराबर शक्ति वाले थे, कोई जीत न सका। अंत में मैया ने अपने गले से हार निकाल दिया, वो दोनों लेकर के लड़ने लगे, तो मैया जरा अलग हो गई, तो देखा जैसे ऐसे तो देगा नहीं, दोनों ने एक साथ ही अपने म्यान से तलवार निकाली, उसने अपनी तलवार और उसने अपनी तलवार, और एक साथ ऐसे मारा जो वो कट गया, गिर गया उसका सिर, और दूसरे ने काटा तो उसका भी सिर गिर गया। पृथ्वी पर रक्त रक्ता रक्ति हो गई। जो देखा है ये क्या हो गया। इतने में नट बड़ी फुर्ती से आया और एक बच्चे की तलवार लेकर के बोला, वो हमारे लड़का ये मर गया, है मैं क्या करूं। उसने अपने गले को काट दिया, और दूसरे लड़के की है कि तलवार लेकर उसकी स्त्री, वो निकाली तलवार और उसने अपने को काट दिया। अब जगत में रह करके क्या करेंगे, हमारे बच्चे ही मर गए, अब किसके लिए। अब तो वहां पर सभा पंड हो गई और सभी लोग बड़े दुखी हुए। रानी बड़ी दुखी हुई, राजा भी बड़े दुखी, हाय हाय ये क्या किया जाए, कहा हमने हार दिया जैसे ये सुखी रहेंगे, और हार के लिए दोनों लड़के मर गए और स्त्री पुत्र दोनों मर गए, इनके परिवार का सभी लोग मर गए, नाश हो गया इनका, बड़ी दुखी हुए। किसी तरह से उसको हटवाया
और हटवा करके उसको फेंकवा दिया। फेंकवा करके रात में उनको नींद नहीं आई, राजा रानी को, बड़े दुखी जी हम लोगों के लिए इनका प्राण गया, ये हार को नहीं देना चाहिए था। किसी प्रकार से सवेरा हुआ, इतने में सवेरे एक पत्र उनके यहां पर पहुंचा, महाराज ये पत्र मेरा है, हम नट और नटनी थे, हम लोग मरे नहीं हैं, ये तो हमने अपने हाथ की सफाई दिखलाई, मरे नहीं हैं, हमारे लड़के भी नहीं मरे हैं और आपका हार भी हमारे पास में है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे घर में आकर के देख सकते हैं जो हम लोग बड़े खुशी हैं और बड़े आनंद से हैं। हमारा पुरस्कार पहले वाला का तो पुरस्कार 9 लाख का दिया हार, अब इस बार मेरे बड़े खेल के लिए और अधिक पुरस्कार हमको मिलना चाहिए। राजा रानी दोनों बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपना रथ मंगाया और अपने परिकरों के साथ में उसके घर गए। देखा जिसको पहले से वो जान रहे हैं और पहले से ही सुंदर फूलों का हार लेकर के दो और उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं और बड़े मुस्कुरा करके उनसे बोले, हजूर हमारा वो पुरस्कार कहां जो अंतिम लीला दिखलाई। यदि एक नट और नटिनी अपनी जादू विद्या से हाथ की सफाई से ऐसा कर सकते हैं तो भगवान के लिए क्या है जो इस संसार विश्व का सृजन 1 सेकंड में करता है, उस नट नटिनी का भी सृजन किया है, जो ब्रह्मा शंकर का सृजन करता है, जो सारे ब्रह्मांडों का सृजन करता है, उसके लिए वो कर नहीं सकता ऐसा। मैं मथुरा का रहने वाला, वृंदावन का रहने वाला, एक बार कलकत्ते का एक बड़ा भारी जादूगर विशी सरकार, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो आया खेल दिखलाने के लिए। ओ कलकत्ते में गवर्नर, वाइसराय और बड़े बड़े पदाधिकारी, सेनाओं के, नेवल के, हवाई के, सभी लोग वहां पर वो देखने के लिए खेल उसके आने वाले थे। समय दिया गया 4 बजे, सभी आएंगे 4 बजे, मैं आऊंगा और खेल दिखलाऊंगा। एकदम प्रत्यक्ष बात है, सत्य बात है। सब लोग आकर के बैठ खड़े वहां पर आ गए, प्रतीक्षा करने लगे और वो 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5 बजने को आया, 5 बजा, सभी लोग बड़े दुखी हुए और बोले जी आएगा तो उसको दंड देना है, वो इतना बदमाश कि हम लोग ऐसे ऐसे अफसर लोग हैं, वाइसराय और गवर्नर, और वचन देकर के भी 4 बजे ये नहीं आया, आज पहले तो उसको दंड देना है, इसके बाद में कुछ होगा। और वो पान चबाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, घड़ी देखता हुआ वहां पर पहुंचा। जब आया तो पुलिस के जो बड़े बड़े जो अफसर थे, आईजी, डीआईजी, सब बड़े उस पर क्रोधित हुए, तुम समय देकर के समय से नहीं आया, अभी तुमको दंड देंगे। वो मुस्कुराता हुआ बोला, क्या समय दिया था? तो 4 बजे का, अपनी अपनी घड़ी देखो। तो सब लोगों ने देखा, अभी 4 बजा है। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे ऐसे यदि जादूगर ही कर सकते हैं, हमने मथुरा में देखा है, सुला दिया, कपड़े से ढक दिया और गला काट दिया और बक्से में बंद कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस के एसपी से कहा जिसमें ताला भर दो, उन्होंने एक नहीं डबल ताले लगाए और उसमें लड़के का सिर लेकर के रख दिया। और जब चाबी भी उन्हीं लोगों के पास में थी, उसने कहा अरे बेटी तू कहां है, जल्दी आ जा, अरे बेटी जल्दी आ जा, और कहा पिताजी मैं आ रहा हूं। और देखते देखते वही सिर तो वहां पर कटा हुआ बंद है और बाहर में उसका धर पड़ा है और वो मुस्कुराता उधर से चला है। यदि साधारण जादूगर ऐसा कर सकता है तो ऐसे जादूगर और करुणों को जो ब्रह्मा की ऐसी सृष्टि करते हैं, शंकर जी जैसे, इनको वो कैसा होगा? इसलिए वो मरा नहीं, बैलिया का बाण उसमें नहीं लगा, अरे भीष्म पितामह का बाण नहीं मार सका, विष खाया और आग को भी खा लिया, काली दह के का जितना विष था उसी में डूब उतर रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ,
कर्ण और भीष्म पितामह के बाणों से उसका कुछ नहीं हो सका, तो बहलिए के बाण से, बणूली से उसका क्या होगा, वो मरेगा। आज भी अभी ध्यान करो तो वो दर्शन में आता है, यहां पर पूजा हो रही है, वो समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो कभी नहीं मरता। ये भगवान की निशानी है, ये लक्षण है। ऐसे लक्षण माए जाए ना तो समझो जी ये भगवान है, अन्यथा नहीं। ये भगवत्ता काल, इसलिए कृष्ण क्या है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। डंके की चोट से ये घोषणा की गई है वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, पुराणों में, सर्वत्र डंके की चोट से ये घोषणा की गई है। ये जो छोटा सा बच्चा जो नंद का लाला है, जो यशोदा के घर में करवट नहीं फेर सकता, यही स्वयं भगवान है, लीला कर रहा है। वो कल की जो कथा सुनाई उसमें थोड़ा सा आगे चलिए, हमारे साथ में वृंदावन में आ जाइए, वहां पर जमुना नदी बड़ी सुंदर बह रही है, पास ही में गोकुल नगरी है, इस पार में मथुरा, इस पार में गोकुल नगरी, बीच में जमुना है। जमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट इत्यादि हैं। वो छोटा सा शिशु अब कुछ बड़ा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा, वो अब प्रतिदिन कुछ ऐसी लीलाएं करता है जो ब्रज के गोप गोपियों की चित्त को हरण कर लेता है। बरबस इतना सुंदर अलबेला है, इतना मधुर है, विशेष करके जो मुस्कुराता है तो जगत उसके एकदम चरणों में नतमस्तक हो जाता है, इतना सुंदर है। तो वो घरों घरों में जाता है, अपने बच्चों के साथ में, नंगे बच्चों के साथ में दूसरों के घरों में घुस जाता है, और वहां से रखे हुए छीकों पर मक्खन को चुराता है। मक्खन माने क्या, गोपियों का जो प्रेममय हृदय है उसको चुरा लेता है। सभी लोग सोचते हैं कि आज हमारे घर में आए तो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी। उन गोपियों ने जाने कोटि कोटि जन्मों तक तपस्या की थी, जो उनके घरों में ये परब्रह्म साक्षात कृष्ण जा रहे हैं, वो कृष्ण कभी घुस गए किसी गोपी के घर में और मक्खन लेने के लिए हाथ लगाया, इतने में वो गोपी जो घर की मालिकनी थी वो दूर से देख रही थी, मुस्कुराते हुए आई और उसका हाथ पकड़ लिया। अरे लाला ये तू चोरी क्या कर रहा है? अरे मैया मैयारी ये तेरा घर कब हुआ? मैंने तो सोचा जे ये मेरा घर है, तू हमको बेटा बेटा कहती है और फिर ये मेरा घर नहीं है। और ये कहते हुए ऐसा मुस्कुराया कि हाथ उससे छूट गया और बच्चों के साथ में भाग गया। किंतु वो जो घर की ग्वालिन थी बस तन्मय होकर के उसी रूप को चिंता करते 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 वहीं की बैठी रह गई। इतना वो सुंदर है, अद्भुत। दूसरे दिन किसी दूसरी गोपी के घर में गया, वो ग्वालिन पहले से तैयार थी, आज आएगा तो उसको जरूर नटखट को पकड़ूंगी। और ज्यों ही वो आया और घर में घुस करके वो हड़िया में मटकी में हाथ लगाया, इतने में गोपी धीरे से आकर के उनको पकड़ लिया पीछे से। अरे नटखट तू क्या कर रहा, अभी से चोरी सीखता है? अरे नहीं मैयारी, मैं ये चोरी नहीं सीखता। तो क्या कर रहा है? ये हमारा बछड़ा था, ये इसमें कूद गया, उसको मैं लेने के लिए हाथ लगाया था। अतः तुम्हारा बछड़ा इसमें कैसे कूद गया? अरे तो देखेगी? अच्छा तो हाँ देखूंगी। तो उसने हाथ लगाया और हाथ लगा करके एक मार्बल का छोटा सा खिलौना बछड़ा जो नंद बाबा ने ला करके उसको दिया था, देखो ये मेरा बछड़ा है, और ऐसे मुस्कुरा करके और झल हाथ छुड़ा करके भागा। ये गोपियां सब तन्मय हो जाती थी इसके, ये सब देख करके, नखड़े को देख करके, कौन ये है? ओ सुप्रीम लॉर्ड,
समस्त भगवानों का भी भगवान, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर है, ये भगवान की लीला है। ऐसे भगवान को भगवान कहते हैं। जो बूढ़ा है, जो मर जाता है, जो प्रॉब्लम से बड़ा हुआ है, वो कहां भगवान हो सकता है। अरे ब्रह्मा जी ही भगवान नहीं है, शंकर जी भी भगवान नहीं है, जिनके दास दासियां हैं दुर्गा जी देख रहे हैं और उसमें अपना शान समझती हैं कि मैं प्रभु की दासी हूं, वो भगवान की तो बात ही क्या है। वो फिर तीसरे दिन अपने एक साथी से कृष्ण बोला, देखो अपनी मैया से जाकर के कह कि ये बछड़ा दूध पी रहा है और जब चली जाएगी बछड़े को पकड़ने के लिए हम लोग घर में धस कर घुस कर और खूब खाएंगे मक्खन और जो कुछ है। ऐसा किया, दूसरे दिन वो सब बच्चों के साथ में गया और एक बच्चे को कहा जे तुम्हारी अपनी मैया के पास में जा। वो गया मैया से बोला जे मैया अरे बछड़ा सब दूध पी गया है, सब दूध पी गया और दौड़ी उसको पकड़ने के लिए, यदि ये पी जाएगा तो फिर हम दूध कैसे दुहेंगे। इसलिए वो जो ही गई दौड़ने दौड़ करके उधर और इधर में छिके पर जहां तहां जो मक्खन था सब खाया, बंदरों को दिया, कुछ कौओं को दिया और इस प्रकार से करते हुए जब वो आने लगी तो घर से निकल करके भाग गए। यदि किसी दिन किसी घर में जाता और कुछ नहीं मिलता तो बच्चा उसका सोया होता तो उसको चींटी से काटता और वो बच्चा रोने लगता, भाग जाता। अच्छा तो देखो दूसरे दिन देखना मैं क्या करूंगा यदि कहीं छिपा करके रखा। इस तरह की लीलाएं करती और वो गोपियां सब उलाहना देने के लिए वो जसोदा मैया के यहां आती और जसोदा मैया हंस देती, मुस्कुरा देती, अरे छोटा सा लाला ये ऐसा कैसे चोरी कर सकता है, ऐसा क्या करेगा, विश्वास नहीं करती। और किंतु ये बात असल में यही थी। मेरी भाषा को आप लोग समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है या कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। यदि होगा तो यू कैन आफ्टर वर्ड यू कैन टेल टू अदर्स दोज हू डोंट नो हिंदी। अब यशोदा मैया सोच रही है हो न हो कुछ बात जरूर है, हमारा छोटा सा बच्चा लाला और ये घरों में जाते करके चोरी करके मक्खन खाता है क्यों? इसलिए कि मैं अपने हाथों से गायों का दूध नहीं निकालती, मैं खुद नहीं उसको दही के रूप में जमाती और मैं खुद ही उसका मंथन करके मक्खन नहीं निकालती, इसलिए खट्टा मक्खन हो जाते होंगे, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से ही दूध निकालूंगी, अपने हाथों से ही उसे जमाऊंगी और अपने हाथों से ही उसको मंथन करूंगी और फिर बच्चे को देंगे, देखे जे कैसा नहीं लेता है। अब तक उसको हमारे घर में मीठा नहीं मिलता है, वो गोपियों के घरों में मीठा, क्योंकि वो खुद निकालती हैं। तो आप लोग भी यदि नौकर से ठाकुर जी की पूजा कराएंगे तो वो नहीं लेगा, दूसरों का दिया हुआ नहीं, अपने हाथ से काढ़ो, अपने हाथ से झाड़ू लगाओ मंदिर में, अपने हाथ से उनको खिलाओ। ऐसा नहीं कि नौकर रख दिया वो कर रहा है और अपने आप दिन रात पैसे के जुगाड़ में लगे हुए हैं, ये भक्ति नहीं है। इसलिए यशोदा मां आज सवेरे सबको भेज दिया घरों में, बोली देखो अपने अपने घरों में जाओ। आज दिवाली का दिन है, दिवाली इस देश में लोग जानते हैं दिवाली का उत्सव होता है, अभी कल एक संक्रांति का उत्सव होने वाला है बहुत विशाल रूप में, कितने कितने करोड़ आदमी आएंगे, 17 मिलियन लोग आएंगे, 70 कहां कुंभ में कल स्नान करेंगे, वही नहीं समुद्र में लाखों करोड़ों लोग जो जहां जिसको स्थान मिलेगा गंगा में जमुना में समुद्र में स्नान करेंगे कल जरूर, और करेंगे क्या, स्नान करके उनके पास जो कुछ है वो सब दान दे देंगे दूसरों को, कपड़े लत्ते रुपए पैसे जो कुछ होगा गायें सबको दान देते हैं। हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा लोग जाते थे
अपना सर्वस्व दे करके, महाराज युधिष्ठिर भी गए और उन्होंने सर्वस्व दान करके खाली हाथ अपनी द्रौपदी जी का कपड़ा पहन करके अपना कपड़ा भी दान कर दिया और खाली हाथ लौटे। एक अभी कुछ दिन पहले हर्षवर्धन नाम के एक राजा थे, वो भी अपनी बहन के साथ में गए और उसने सारा सब कुछ सोना इत्यादि सब कुछ दान करके और तब वहां से आए। दान करने में खुशी है, आनंद है। जाएगा तो एक दिन सभी, तो यह कुंभ के संबंध में कल बतलाऊंगा, अभी जरा कृष्ण की ही लीला का वर्णन करूं। तो ऐसे ऐसे उपहार के दिन में, दिवाली के दिन में सबको भेज दिया और भेज करके स्वयं आज पद्मगंधा और कालिंदी, गंगा जमुना नाम की गायों का, जो कहीं बाहर में चरने नहीं जाती, अच्छी अच्छी घासें उनको यहीं पर मिल जाती और उसी को अपने हाथों से दूधा और दूध करके उसे जमाया और उसमें बड़ी मोटी मलाई जम गई। और दूसरे दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त में दधि मंथन करने लगी खुद, और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण सोए हुए थे, छोटा सा बच्चा अभी, बीच बीच में कब जग जाए और कब दूध के लिए रोने लगे कोई ठीक नहीं। आज जसोदा मैया तन्मय होकर के कृष्ण को पालन करने के लिए, उनको चखाने के लिए मीठा मक्खन निकालने के लिए आज खुद दधि मंथन कर रही है। उस समय वो जो बर्तन था, मटकी, मटकी अभी भी कुछ रखी गई है नंदगांव में, उसमें आप चल फिर सकते हैं, इतनी बड़ी मटकी। उस समय आदमी बड़े लंबे टंबे होते थे, शक्ति भी अधिक होती थी। और बतलाओ उस समय गायें कितना दूध देती थी, 60 किलो तो अभी हॉलैंड में गाय दूध देती हैं, और कृष्ण की गैया कितनी दूध देती होंगी ये इस अनुमान कीजिए। और उन गैयाओं का दधि, मोटी मोटी मलाई, और उसको मंथन कर रही है। कैसे? एक पिलर में रस्सी लपेट दिया और फिर उसको अपनी मंथन दंड में उसे लगा दिया और ऐसे घर घर कर रही। कैसे घर घर कर रही? जो सोदा मैया अत्यंत सुंदरी हैं, कमर बड़ी पतली, वस्त्रक्षल चौड़ा, और उनके सूक्ष्म रेशमी के वस्त्र अंग से मानो उनकी छटाए, अंग की कांति वो खेल रही है, निकल रही है, मानो उसे झांक रही है। एक इतनी सुंदरी होने पर भी यदि घूंघट निकाल करके आए ना, तो वो सुंदरी यदि लोग देखे, कौन है ऐसा देखने की चेष्टा करेंगे। आज जो छाती तान कर कपड़े को इधर रख करके और कोई भी आवरण नहीं है, चल रही है जैसे कि इधर में उधर में देख रहे हैं, वो सौंदर्य का मजा नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति की वो रीति थी, यशोदा मैया ऐसे ही इतनी सुंदरी, जिसके कोख से कृष्ण जैसा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। कृष्ण का सौंदर्य आया कहां से? मैया से। यदि मैया सुंदरी नहीं हो, काली कलूठी हो, दांत निकला हुआ हो, तो उसका बेटा कैसा होगा? अपने माता पिता के अनुरूप ही होगा। तो मैया कितनी सुंदरी होगी अनुमान कर सकते हैं, तब ये कृष्ण इतना सुंदर है। इसलिए बड़ी सुंदरी है, और वो उनका कंठ इतना सुरीला है, जैसा कंठ कृष्ण का सुरीला है ना, वो जसोदा मैया के कंठ से कृष्ण का कंठ आया है। जिसके माता पिता का कंठ होता है ना, वो अपने आप सुरीला होता है, उसको कुछ गान वन सीखने की जरूरत नहीं हो पड़ती, वो अपने आप जन्मजात होता है, सीख करके नहीं होता। तो जसोदा मैया का गला भी बड़ा सुरीला, कोयल कुहकती हुई कोयल जैसा, बड़ा मधुर, और वो गा रहे गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो, गोविंद धर्माधवेती।
और कृष्ण के बच्चेपन में लड़कपन की जो क्रीड़ाएं हैं लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रही हैं और डूबी हुई हैं, आंख बंद है और तन्मय होकर के ऑब्जर्व्ड होकर के बस गोविंद दामो गर्मद्वेदी गोविंद दामो तन्मय होकर के गान करने लगी। ऐसे तन्मय हो गई, भूल गई जे मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, क्या कर रही हूं, बस कृष्ण ही उसके दिमाग में चढ़े हुए हैं ऑब्जर्व होकर के और गाती हुई गद्दी मंथन करने लगी। कृष्ण भगवान रहते हैं कहां, जहां उनके भक्त लोग उनको बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं कीर्तन के माध्यम से। कृष्ण योगियों के हृदय में नहीं, कहीं गोकुल टोकुल में नहीं, कहां रहते हैं जहां उनके भक्त लोग गान करते हैं बड़े प्रेम के साथ में, वहां गोकुल में गान करते हैं, वृंदावन में गान करते हैं, इसलिए वहां पर हैं, भक्तों के हृदय में ही रहते हैं। इसलिए जब अपना कीर्तन सुना तो ठहर नहीं सके, विलंब नहीं कर सके, अपने आप छोटा सा बच्चा मैया मैया पलंग पर ढूंढने लगा मैया को, और किंतु मैया तो है नहीं वहां, मैया तो गा रहे है वहां। इसलिए पेट के बल से बड़े मुश्किल से सरक कर नीचे आया। विश्व ब्रह्मांड को धारण करने में उसे कष्ट नहीं होता, अगासुर बकासुर से लड़ने में उसको कोई कष्ट नहीं होता, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण को मारने में उसको तनिक भी विलंब नहीं लगता, ये इसके लिए मुश्किल कार्य नहीं है। किंतु आज पलंग से उतरना उसके लिए बड़ा भारी मुश्किल हो गया। बस किसी तरह से आया और अपना जैसा उनका अस्त्र है, यदि उनको किसी चीज की जरूरत है तो रोएंगे, मैया को बुलाना होगा तो क्या करेंगे, झूठ मूठ कर रोना आरंभ कर देंगे। तो कृष्ण ने कोई तो मारा नहीं, कोई कारण नहीं, किंतु वो रोने लग गया, करके रोने लगा और बड़ी जोर से रोने लगा, किंतु मैया के कानों में नहीं जा रहा। कृष्ण ने सोचा जी मैया मेरी पुकार नहीं सुन रही, और जोर से रोना आरंभ किया, आंखों से आंसू छलक आए और गिरने लगे, और वो जो हथेली उसकी उससे ये ब्रह्म और ब्रह्म आंसुओं को पोंछ रहा है, और वो आंख में बड़ा मोटा काजल की रेखा है, वो काजल और वो पानी मिल करके काला हो करके यहां से दो नदियां गंगा और जमुना निकल करके बहने लगी, और वो जोर से चिल्लाता हुआ, किंतु मैया ने सोचा नहीं, गोविंद दामो गोविंद अब कृष्ण रोते 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 एकदम निकट में आए, जब निकट में भी मैया ने नहीं सुना तो एक हाथ से मैया का अंचल यहां पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मथनी को पकड़ लिया, मथनी दंड को। मैया ने देखा ये क्या हुआ, उसने इधर देखा, अरे ये तो मेरा लाला नंगा सा और काजल इधर उधर लगा हुआ। मैया ने झट उसको गोदी में उठा लिया और उठा करके उसके केशों को संवारने लगी और अपने स्तन को लगा दिया, स्तन से दूध इतना झरने लगा ऑटोमेटिक रूप में, कृष्ण को चूसने की जरूरत नहीं है, मोटी धारा से उनके मुख में प्रवेश करने लगी और वो भी बड़े प्रेम के साथ में उसको आरोगने लगे, उसको पीने लग गए। जसोदा मैया अब दुध मंथन का काम छोड़ दिया और अपने अंचल से बेटे को ढककर और स्तन पिलाने लगी। थोड़ी देर में पासी में रखा हुआ और क्या करने लगी, बच्चे को देख करके उद्दीपन भाव का आया, वात्सल्य रस का, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी, रोमे खड़े हो गए, अष्टशाब्दिक विकार प्रेम का विकार उनके हृदय में, यह है भक्ति रस। जसोदा मैया ने देखा जे पासी में एक चूल्हे पर
दूध गर्म करने के लिए रखा गया था, वो कुछ अधिक गर्मी होने के वजह से, हीट होने के वजह से वो ऊपर से उफन कर गिर रहा है आग में। यशोदा मैया ने कहा, अरे बेटे ऐसा मत करो, दूध सोच रहा है। ओह, यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है जो खीर सागर, कोटि कोटि खीर सागर इसे भर जाएगा। और कृष्ण के मुख में, उसके पेट में भूख इतनी ललक है कि सारा दूध भी उसके पेट में जाया, सारा विश्व ब्रह्मांड में जाएगा तो उसका एक कोना भी नहीं भरेगा। तो जीवन भर कृष्ण पीता रहेगा, यशोदा मैया पिलाती रहेंगी, तो हम इसकी सेवा कब कर सकेंगे? इसलिए जीवन को रखना उचित नहीं, मर जाना ही उचित है। भक्त ऐसा ही सोचता है, यदि भगवान की सेवा नहीं हुई, हमारे इस धन से, यदि हमारे इस जीवन से, हमारे इस शरीर से, हमारे इस मेंटल पावर से, हमारी इंद्रियों से यदि भगवान की सेवा नहीं हुई तो ये बेकार है सब, हमारा जीवन भी बेकार है, अब जीवित रह करके ही हम क्या करेंगे। भक्त ऐसा सोचता है, रिपेंट करता है। जो ऐसा नहीं रिपेंट करता वो भक्त ही नहीं है। उनको वेद की ऋचाएं ब्रह्मा जी लाख पाठ करें उसकी तरफ में नहीं देखते। वो अनुस्वार विसर्ग और अलंकार इत्यादि से पुष्ट वेद की ऋचाओं का उच्चारण पूर्वक सुस्वर से भी, हम लोगों की तो बात क्या, ब्रह्मा जी चारों मुख से कर रहे हैं, उसको कृष्ण कुछ देख नहीं रहे। और उनको गोपियां गाली देती हैं, धूर्त, चोर, लंपट शिरोमणि, झूठे, मक्कार, और क्या नकायानी गोपियां कहती हैं, और वो उनकी गाली सुनने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये है ब्रह्मा। भागवत इत्यादि में कहा गया है, तदभूरी भाग्यमी जन्म किम पटव्यम जज गोकुलेपी जतो रजोंगृभेश एकम। श्रीमिक वेद के भी मृग हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान में उनके चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर पाते। और शंकर उस ब्रज के जो कृष्ण जी इनकी बातें अभी चर्चाएं कर रही हैं, जो अभी रो रहे हैं किसके लिए है? दूध के लिए रो रहे थे, यशोदा मैया के लिए। और अब भक्त यदि ऐसा रिपेंट नहीं करता, हृदय में अनुभूति नहीं होती, दिन रात पूजा के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा भी आए हुए द्रव्यों का जो हम भोग करते हैं उसमें डर नहीं लगता, गुरु के नाम से भिक्षा करके, भगवान के नाम से भिक्षा करके और उसको अपने भोग में लगाते हैं, उनकी दुर्गति क्या होगी? इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये मनुष्य जन्म भगवान का भजन करने के लिए है, हमारे पुंडरिक ब्रह्मचारी ने इसको बतलाया। इसलिए जहां भी जिस रूप में रहिए, भगवान की सेवा की तरफ में दृष्टि रखिए। व्हाट एवर यू शुड डू टू प्लीज कृष्ण। अपने के लिए, भोग के लिए मत करो। हम इस मंदिर में हैं, पुजारी हैं, या हम वहां पर हैं, मैं गुरु हूं, अब हमको इससे कैसे हमारा पेट भरेगा चलेगा, ऐसा उपाय करना चाहिए। खबरदार ऐसा मत सोचो, ये बनियागिरी हो जाएगी। इसलिए यशोदा मैया ने सोचा, ये तो जीव रिपेंट कर रहा है और भगवान की सेवा में इसको, अरे कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो मर जाएगा। अच्छा ठहरो ठहरो बेटा, मैं आ रही हूं। और आकर के कृष्ण को सोचा, जैसे कृष्ण को रख दें और जो दूध को जाए शांत करने के लिए। जिस कृष्ण को उतना जैसी राक्षसी अपने स्तन से हटा न सकी, 60,000 हाथियों का बल और मंत्र का बल, अपनी आसुरी शक्ति का बल नहीं हटा सकी, और कृष्ण एकदम उसके स्तन को पकड़ करके वैसा ही उसके प्राण को भी चूस लिया, और उस समय केवल 6 दिन का कृष्ण, और अब कृष्ण कितने दिन के हो गए हैं? 2-2.5 साल के हो गए हैं। और पूरी शक्ति लगा दी, अपने हाथों से मैया का स्तन पकड़ लिया, अपने पैरों से बंदरों जैसे, बंदर जैसे अपनी मैया को पकड़ लेते हैं, एकदम पकड़ लिया, और मुख का पूरा जोर लगा दिया, ऐसे मुख को स्तन को पकड़ लिया,
किंतु यशोदा मैया ने एक धक्के में एक हाथ से आसानी से सहज रूप में बैठी यहां किसको परब्रह्म को। परब्रह्म ने अपनी सारी शक्ति लगा दी और तभी उनको एक हाथ से हटा करके बैठ लिया और उनको बैठ जाना पड़ा। उनकी शक्ति ने कुछ काम नहीं किया, भक्तों के सामने उनकी शक्ति नहीं काम करती। क्यों? भक्तों के पास में अपने को बेच दिया है, इसलिए यशोदा मैया उनको रख करके दूध को बचाने के लिए गई। इधर कृष्ण रोने लग गया और रो करके सोचा अच्छा ठीक है, हमको छोड़ करके रुलाती छोड़ करके पेट नहीं भरा और चली गई, मैं इसको मजा दिखा दूंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने एक वहीं पर लोढ़ा रखा गया था। लोढ़ा हमारी आजकल माताएं जानती हैं कि नहीं जानती हैं? आजकल तो लोढ़ा से पीसने के लिए कुछ है नहीं, मशीन में सब कुछ ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। अब सहज में मूसल तो है नहीं जो कूटेंगी, वो सब बाजार से ऐसे ही सब हमारे कांति भाई जी के दुकान से सभी कुछ चावल दाल तरकारी मसाला सभी कुछ बना बनाई सब कुछ आ जाता है, बस हल्दी भी पीसी हुई कोई जरूरत नहीं। इसलिए महिलाओं को भी बहुत जल्दी से ब्लड प्रेशर हो जाता है, मोटापन आ जाता है, उसको क्या करेंगे। तब वो व्यायाम करने के लिए योग अभ्यास करने के लिए जाती हैं। ये सहज रूप में पहले ऐसा था, ऐसा नियम बनाया गया था। उन लोगों की अपेक्षा करने से हम लोगों की ये दुर्दशा होती है। तो वो यशोदा जी जाकर के और पानी उठाया, पानी देकर के छींटे दिए, अर्थात प्यार से बोली अरे पहले तुमको उसकी सेवा में लगाएंगे, हमारे दूध से तो मक्खन नहीं बन सकता, बनेगा स्त्रियों का दूध का मक्खन, उसका संदेश बनेगा, उसका पेड़ा बनेगा, उसका कुछ भी नहीं बनेगा, दही जमेगा कुछ भी नहीं होगा, केवल स्तन से पान करें और तुम्हारे से तुमको हम छाना बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे और क्या क्या चीज बना करके तब उसको खिलाएंगे, तुम शांत रहो अभी थोड़ी सी अपेक्षा करो। उसको शांत किया, जब तक लौटी तब तक ये बंदर कहां गया, ब्रह्मरूपी परब्रह्मरूपी बंदर मंकी कहां गया। उसको तोड़ करके देखा, नीचे से पानी की तरफ पिघल करके वो सारा दही निकल रहा है और वो देख रहा है, हंस रहा है, वाह क्या आनंद, ये परब्रह्म। और जब वो चला गया तो मां की याद आए, अभी आकर के लठिया से हमें मारेगी। परब्रह्म को डर है, भगवान को भी डर है, किस लिए डर है, यदि प्यार न दे। ब्रह्म अपनी भगवत्ता भूल गए हैं ब्रज में, अपने को भी भूल गए हैं, जो मैं अंतर्यामी हूं और इतना शक्तिशाली सब कुछ भूल जाते हैं। यह है भगवान की मधुर लीलाएं, बड़ी भाव पावरफुल कृष्ण जैसे। आज यहीं तक समाप्त करता हूं, कल फिर इसके बाद की कथाएं बड़ी सुहावनी बड़ी मधुर बड़ी, इसको सुनने से ही भाव समुद्र अपने आप सूख जाता है, ऐसी लीलाओं का। और इसमें कितने गुण सिद्धांत हैं मैं कल बतलाऊंगा यदि समय मिल सका तो, नहीं तो परसों बतलाऊंगा। कल तो संक्रांति है, शायद संक्रांति के संबंध में कुछ बोलना पड़ेगा, तभी मैं चेष्टा करूंगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण, कुछ भक्त लोग दीक्षा के लिए अनुरोध किया है, अब उसको सत्संग प्राप्त होता है।